पंचकुला से खबर, जहां आदित्य देवीलाल बने हैं हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन। आदित्य देवीलाल ने मार्केटिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाल लिया है और इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। दो दिन पहले ही आदित्य देवीलाल की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे और आज उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उनके परिवार वाले भी साथ में थे। सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उसको अच्छे से निभाऊंगा, ये आदित्य देवीलाल की तरफ से कहा गया है। किसानों को हर सुविधा डोरस्टेप पर मिलेगी। चौधरी देवीलाल का पोता होने के नाते मैंने पार्टी की सेवा की है और चुनाव भी लड़ा है। आज जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से निभाऊंगा और किसानों तक भी पहुंचूंगा। कहा, मैं खुद खेती करता हूं और मार्केटिंग बोर्ड किसानों को सुविधा देने का विभाग है और किसान अपनी जमीन को जोड़कर अपनी फसल पैदा करता है, तो किसान को हर सुविधा डोरस्टेप पर मिलेगी, ये कहा है आदित्य देवीलाल ने। तो दो दिन पहले देखिए इनकी नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिए गए थे और आज ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पदभार संभाला। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी उनके साथ मौजूद रहे, उनके परिवार वाले भी उनके साथ मौजूद रहे। और पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष का और सभी का दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मुझे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है, जो बेसिकली किसानों से और मंडियों से संबंधित है। और मेरे लिए ये एक बहुत, मैं समझूंगा कि सम्माननीय चीज़ है कि मैं चौधरी देवीलाल का पोता होने के नाते मैंने पार्टी की सेवा की है और चुनाव भी लड़ा है और पहले चेयरमैन भी राहुल एंड मॉडरेट में। और आज जो जिम्मेवारी मिली है इसको बहुत अच्छे से निभाना और किसानों तक सुविधा देना मेरा कर्तव्य और धर्म है। और निश्चित तौर पे मैं हमेशा जमीन से जुड़ी हुई बात करता हूँ, जमीन के किसान के साथ लगाव रखता हूँ, खुद खेती करता हूँ।